हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और आज हम देखेंगे सेट ऑपरेशंस। और सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसे हम देखेंगे। सो यहां जो डेफिनेशन है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of elements which are common to both the sets A and B. It is denoted by A intersection B. So हम इसे denote करते हैं A intersection B and is read as A intersection B. So यहां A intersection B and is read as A intersection B or A cap B. इसे हम ए कैप बी भी कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ द सेट्स ए एंड बी। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। तो यदि हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होगा जो उन सभी एलिमेंट्स से बनेगा जो कि ए और बी दोनों में ही हो, या ए और बी दोनों ही सेट्स में कॉमन हो, या सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर होंगे। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। सो यहां हम ए इंटरसेक्शन बी को एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, इफ यदि हम एक सेट ए ले जिसके एलिमेंट्स 5, 6 और 8 हैं, और एक सेट हमने बी लिया जिसके एलिमेंट्स 6 और 9 हैं। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो यहां सबसे पहले हम देखेंगे 5 जो कि सेट बी में नहीं है, इसके बाद हम लेंगे 6 जो कि सेट बी में है। सो यहां हम 6 को लिखेंगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट ए और सेट बी दोनों में ही हों। So, जब हम 8 को लें तो यहाँ बी में नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट जो हुआ सिर्फ 6 हुआ। तो चलिए यहाँ हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इफ हमने एक सेट ई लिया है जिसके एलिमेंट्स जो हैं नंबर्स डिविजिबल बाय टू, यानी सेट ई के जो मेंबर्स हैं वैसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय टू हैं, और एक सेट हमने एफ लिया इसके एलिमेंट्स जो हैं वैसे नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल बाय 3। सो जब हम ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे, सो ई इंटरसेक्शन एफ के जो एलिमेंट्स होंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। सो E इंटरसेक्शन F के जो एलिमेंट्स होंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ होंगे, या E इंटरसेक्शन F इस तरह से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E इंटरसेक्शन F के जो एलिमेंट्स होंगे नंबर्स डिविजिबल बाय 6, तो नंबर्स 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होंगे, वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। हम यहां देख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहां, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कॉमुटेटिव, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कॉमुटेटिव, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कॉमुटेटिव। हमारे पास यदि टू सेट्स ए और बी हैं, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। यदि हमारे पास टू सेट्स ई और एफ हैं, सो ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन ई होगा। तो चलिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। यदि हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 5, 6 और 7 हैं, और हमने एक सेट बी लिया है जिसके एलिमेंट्स 6 और 8 हैं। सो यदि हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, 6, 7 इंटरसेक्शन हम लिख सकते हैं 6 और 8, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5,
फाइव सिक्स और सेवन जो कि सेट ए के एलिमेंट्स है, इंटरसेक्शन सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो सिक्स और एट है। सो इस तरह से जब हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। सो फाइव जो कि सेट बी में नहीं है, सिक्स सेट बी में है, सो यहाँ हम सिक्स को लिखेंगे। अगेन हम देखेंगे सेवन सेट बी में नहीं है, सो ए इंटरसेक्शन बी का जो मेंबर हुआ वो ओनली सिक्स हुआ। सो इसे हम वन से रिप्रेजेंट करें। सो अब हम यहाँ बी इंटरसेक्शन ए को लिखेंगे इज इक्वल टू सेट बी के एलिमेंट सिक्स और एट है, इंटरसेक्शन सेट ए के एलिमेंट फाइव सिक्स और सेवन है। सो यहाँ जब हम बी इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे सो यहाँ ओनली सिक्स जो है सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है। सो सिक्स जो हुआ बी इंटरसेक्शन ए का मेंबर हुआ। सो यहाँ हम इसे टू से रिप्रेजेंट करें। सो फ्रॉम वन एंड टू, सो यदि हम वन और टू को देखेंगे तो हम पाएंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है यहाँ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमें थ्री सेट्स लेने होंगे। सो यदि हमारे पास थ्री सेट्स ए बी और सी हो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। तो चलिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर और फाइव हैं, और एक सेट बी लिया है जिसके एलिमेंट्स टू थ्री फोर और सिक्स हैं, और हमने एक सेट सी लिया जिसके एलिमेंट वन फोर और फाइव हैं। सो यदि हम बी इंटरसेक्शन सी को लेंगे सो बी इंटरसेक्शन सी को हम इस तरह से लिख सकते हैं फोर सिक्स इंटरसेक्शन वन फोर और फाइव। सो यहाँ हम बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, दैट इज वैसे एलिमेंट जो कि सेट बी और सेट सी में कॉमन हो। तो सबसे पहले हम टू को देखते हैं। सो सेट बी का जो एलिमेंट टू है सेट सी में नहीं है, सेट बी का जो एलिमेंट थ्री है सेट सी में नहीं है, सेट बी का एलिमेंट फोर जो कि सेट सी में है। सो यहाँ हम फोर को लिखेंगे। अगेन सेट बी का एलिमेंट जो सिक्स है सेट सी में नहीं है, सो बी इंटरसेक्शन सी का जो एलिमेंट हुआ सिर्फ फोर हुआ। सो अब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को लिखेंगे, सो इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी का जो एलिमेंट्स है ओनली फोर है। सो यहाँ हमने इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो एलिमेंट होगा दैट इज कॉमन टू ए एंड बी इंटरसेक्शन सी ओनली फोर है। यहाँ फोर ही दोनों सेट्स में कॉमन है, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो एलिमेंट होगा सिर्फ फोर होगा। इसे हम वन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव इंटरसेक्शन टू थ्री फोर और सिक्स जो कि सेट बी के एलिमेंट्स हैं। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें वैसे एलिमेंट्स को लेना है जो कि सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन हो। सो अब हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें देखना है कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। सो यहाँ सेट ए का जो एलिमेंट वन है सेट बी में नहीं है, सो इसे हम यहाँ नहीं लेंगे। सेट ए का एलिमेंट टू है जो कि सेट बी में है, यानी सेट ए और सेट बी दोनों में है, सो सबसे पहले हम टू को लेंगे। और सेट ए का एलिमेंट जो थ्री है सेट बी में है, सो इसे हम यहाँ लिखेंगे। अगेन जो फोर है सेट ए का एलिमेंट वो भी सेट बी में है, सो यहाँ फोर को भी लिखेंगे। इसके बाद जो सेट ए का एलिमेंट फाइव है सेट बी में नहीं है, सो यहाँ ये तीन ही एलिमेंट टू थ्री और फोर ए और बी दोनों ही सेट में कॉमन है, सो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं टू थ्री और फोर हैं। सो अब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स टू थ्री और फोर हैं, इंटरसेक्शन सेट सी के एलिमेंट्स जो हैं वन फोर और फाइव हैं। सो अब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो यहाँ हम ए इंटरसेक्शन बी के वैसे एलिमेंट्स को लेंगे जो कि सेट सी में भी हो, सो ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट टू है सी में नहीं है, सो इसे हम नहीं लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट थ्री जो कि सेट सी में नहीं है, सो इसे भी नहीं लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट फोर है वो सेट सी में है, यानी फोर जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी और सी दोनों में है,
यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो मेंबर हुआ ओनली 4 हुआ, इसे 2 से रिप्रेजेंट करें। सो यदि हम 1 और 2 को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटेड। सो हम यहाँ एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इज कॉन्टेंट इन ए therefore ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दैट इज हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। सो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हम सेट ए लें जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 और 5 हैं और एक सेट बी लें जिसके एलिमेंट्स 2, 3, 4 और 6 हैं, सो ए इंटरसेक्शन बी में वैसे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन हो। सो सबसे पहले हम सेट ए के एलिमेंट 1 को देखेंगे जो कि सेट बी में नहीं है, 2 सेट बी में भी है, 3 सेट बी में भी है, 4 जो है सेट बी में है। सो यहाँ 2, 3 और 4 जो है, सो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के जो मेंबर्स हैं 2, 3 और 4 हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए या सबसेट ऑफ सेट ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी या कहें सबसेट ऑफ सेट बी। सो हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे इफ, सो यहाँ हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे इफ ए एंड बी आर टू डिसज्वाइंट सेट्स देन, यदि ए और बी दो डिसज्वाइंट सेट्स हों तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। कन्वर्सली यदि ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट हो देन ए एंड बी आर डिसज्वाइंट सेट्स सो इफ ए एंड बी आर टू डिसज्वाइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यदि ए और बी दो डिसज्वाइंट सेट्स हो तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। कन्वर्सली यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा या ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट होगा तो ए और बी दोनों ही डिसज्वाइंट सेट्स होंगे। सो चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 5, 7, 9 और 11 हैं और एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 4, 6, 8 और 10 हैं। सो यदि हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे सो सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट यहाँ कॉमन नहीं है, इज इक्वल टू हमें एक एम्प्टी सेट मिलेगा। सो यहाँ हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि सेट ए और सेट बी जो है डिसज्वाइंट सेट है, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सो इस तरह से कह सकते हैं कि यदि ए और बी दोनों डिसज्वाइंट सेट्स हों तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। इसी तरह से कन्वर्सली यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो तो ए और बी डिसज्वाइंट सेट्स होंगे। सो यहाँ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स और ज्वाइंट सेट्स। सो यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं हो या ए इंटरसेक्शन बी जो है एम्प्टी सेट नहीं हो तो ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। सो इस एग्जांपल से देखें, यदि हम एक सेट ए लें जिसके एलिमेंट्स 5, 6 और 8 हों और एक सेट हमने बी लिया जिसके एलिमेंट 6 और 9 हैं, सो यदि हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे सो ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट होगा 6 होगा। सो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 या ए इंटरसेक्शन बी यदि एम्प्टी सेट नहीं हो तो ए और बी जो है ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए डैश्ड, दैट इज सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यदि हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें 5 मिलेगा। सो इसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने एक इनवर्सल सेट साई लिया जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। सो हमने यहाँ एक सेट ए लिया जिसका इनवर्सल सेट साई है और सेट ए के एलिमेंट्स 2, 3 और 5 है।
सो यदि हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ले या ए डैश्ड लेंगे सो इसके एलिमेंट 1, 4 और 6 होंगे। सो जब हम ए इंटरसेक्शन ए डैश लेंगे सो इज इक्वल टू 2, 3, 5 इंटरसेक्शन 1, 4 और 6, हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ए इंटरसेक्शन ए डैश्ड इज इक्वल टू, यदि हम देखेंगे कि सेट ए और ए डैश्ड में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सो ए इंटरसेक्शन ए डैश्ड इज इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि सेट ए और ए डैश्ड में या सेट ए में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो इस तरह से कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश्ड इज इक्वल टू 5 है। सो यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विथ द एम्प्टी सेट, इज द एम्प्टी सेट। दैट इज कहने का मतलब हुआ कि यदि एक सेट ए लें सो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा, और यदि एक सेट बी लें सो बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5 होगा। सो इसे हम एग्जांपल से देखें, यदि हम एक सेट ए लें जिसके एलिमेंट्स जो हैं 1, 2 और 3 हैं सो 5 जो है वो एक एम्प्टी सेट है, सो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जब हम ए इंटरसेक्शन 5 लेंगे यानी वैसे एलिमेंट जो दोनों ही सेट्स में कॉमन हो सो हमें एक एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि 5 जो है वो एम्प्टी सेट है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है यहाँ, द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विथ द यूनिवर्सल सेट, इज द सेट इटसेल्फ। सो यदि हम कहें ए इंटरसेक्शन साई, सेट ए के लिए साई जो है यूनिवर्सल सेट है सो ए इंटरसेक्शन साई इज इक्वल टू ए होगा। यदि इसी तरह से सेट बी के लिए एक यूनिवर्सल सेट साई है सो बी इंटरसेक्शन साई इज इक्वल टू बी होगा, एंड सो ऑन। सो चलिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं, यदि हम एक यूनिवर्सल सेट साई लें जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, और हमने एक सेट ए लिया जिसका यूनिवर्सल सेट साई है जिसके एलिमेंट्स 2, 3 और 5 हैं। सो इसे हम यदि 1 से रिप्रेजेंट करें और यदि हम ए इंटरसेक्शन साई लें इज इक्वल टू 2, 3 और 5 जो कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन साई के जो एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। सो यदि हम ए इंटरसेक्शन साई के एलिमेंट्स को लिखेंगे सो ए इंटरसेक्शन साई इज इक्वल टू 2 जो कि सेट साई में है सो यहाँ हम 2 को लेंगे, 3 जो कि सेट साई में है 3 को भी लेंगे, और 5 जो कि सेट साई में है यहाँ हम 5 को भी लेंगे। यदि ए इंटरसेक्शन साई के जो एलिमेंट्स हैं 2, 3 और 5 हैं, सो यदि हम इसे 2 से रिप्रेजेंट करें तो 1 और 2 को देखने से हम पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन साई इज इक्वल टू ए। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विथ द यूनिवर्सल सेट इज द सेट इटसेल्फ।